अस्सलाम वालेकुम। पीक इंस्टीट्यूट की जानिब से मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आज मैं जिस कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो है पीएचपी। और पीएचपी एक लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बेसिकली। इसको एज ए वेब डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ये एक स्ट्रक्चर जो हमारा तैयार होता है वो तो होता ही है HTML और CSS पे, कि आपने उसका पेज का लेआउट डिज़ाइन करना है स्टैटिक वेबसाइट। जब आप बात करते हैं एज ए वेब डेवलपमेंट की तो उसके अंदर लैंग्वेज आती है PHP। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है बेसिकली, एक सर्वर के साथ चलती है। इसके लिए आप लोकल होस्ट एज ए XAMPP यूज़ कर सकते हैं या वैम से यूज़ कर सकते हैं, दोनों बेस्ट हैं। XAMPP यूज़ कर लें वो ज़्यादा ईजी भी है और आसान भी है यूज़ करना चाहते हैं तो। प्लस इस कोर्स में क्या चीज़ है कि इस कोर्स में आप डेवलपमेंट का मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि आपने एक डाटा बेसिक एक वेबसाइट तैयार करनी है जिसके अंदर एक लॉगिन सिस्टम हो जाए, कोई भी सर्च सिस्टम हो जाए, कोई भी डाटा बेस सिस्टम हो जाए। अगर बड़ी वेबसाइट की मैं एग्जांपल आपको दूँ तो जैसे फेसबुक या ऑल एक्सेस, उनके अंदर पूरा एक लॉगिन सिस्टम है पूरे। इसी तरह आप जब PHP स्टार्ट करते हैं तो PHP के अंदर ये बेसिकली फेसबुक भी PHP बनी हुई है, ओलेक्स भी PHP के अंदर लैंग्वेज के अंदर ही बनी हुई है। तो इसके लिए हमें सर्वर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सर्वर का इस्तेमाल करके आप एक बड़ी सी बड़ी वेबसाइट भी तैयार कर सकते हैं। शुरू क्या है, इस कोर्स में क्या चीज़ें शामिल हैं? इस कोर्स में ये है कि आपको शुरू में पहले 15 से 20 दिन आपको बताया जाता है कि PHP क्या चीज़ है, PHP के अंदर बेसिक्स कमांड्स कैसे काम करते हैं, जैसे इको हो गई, वेरिएबल हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई, बुलियन हो गई, ठीक है, स्ट्रिंग्स हो गई, ठीक है, इफ स्टेटमेंट, लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, गेट पोस्टिंग, ये तो बेसिक कमांड हैं जो हम सर्वर के साथ कनेक्ट करके प्रैक्टिकली इन कमांड्स के साथ एग्जांपल के साथ आपको करवाते हैं। उसके बाद जब ये बेसिक कमांड्स आपको आ जाती हैं इस कोर्स के अंदर तो फिर हम आपसे एक डेटाबेस बनवाते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कोई लॉगिन सिस्टम बनाना है या कोई सर्च सिस्टम एज ए डेवलपर वेबसाइट के अंदर लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह बनता है, उसके अंदर आपकी सर्वर कनेक्टिविटी कैसे होती है, प्लस उसके पास XAMPP कैसे वर्क करता है, आपने एक डेटाबेस कैसे तैयार करना है। जब एक कम से कम 4 से 5 प्रोजेक्ट आप डेटाबेसिस के कर लेते हैं तो आप इस लेवल पे जा सकते हैं कि आप एक अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट लेवल की, बड़े लेवल की एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। इस कोर्स का तकरीबन दौरानिया जो है तकरीबन 1 मंथ है, 1 से 1.5 मंथ में लग जाता है। लेकिन वो स्टूडेंट करें जिन लोगों ने पहले HTML और CSS सीखी हुई है वो PHP कोर्स कर सकते हैं। और हम इस पर कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं लाइव और उसमें प्रोजेक्ट्स भी बनवाते हैं। और इस कोर्स को मज़ीद अगर आप इंफॉर्मेशन मज़ीद लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के अंदर डीपली आउटलाइंस मौजूद हैं, वहाँ फीस शेड्यूल हर चीज़ मौजूद है peakinstitute.com.pk के ऊपर आप विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अब ऑफिस विज़िट करना चाहें तो हमारा peakinstitute जो अदारा है बेसिकली 6 रोड पे मैन प्लाजा 3rd फ्लोर पे वाक़ है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म की कोर्स PHP कोर्स रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो फ्री ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।